गुड मॉर्निंग गाइस। सो सुबह हो चुकी है, एक्चुअली आफ्टरनून हो चुका है और हम लोग अब निकल रहे हैं यहाँ से ट्रैकिंग के लिए, ट्रियुंड के लिए। सो थोड़ा आप देख सकते हो एवरीथिंग इज पैक, गाड़ी रेडी है, बंदे रेडी है, सब रेडी है। सो मिलते हैं। भैया ट्रैकिंग अभी चल रही है, लोग जा रहे हैं जाते ही हैं और ऊपर रहने की व्यवस्था है, रहने का तो क्या पता भाई, ऊपर जाके लगेगा पता, टाइम तो बड़ा है अभी जाते। और ये चेक पोस्ट चेकिंग वाला किधर पड़ता है? वो गलू में, वो अभी आएगा आधे घंटे बाद। तो बोल रहे थे 11 बजे के बाद नहीं जा सकते, ऐसा कुछ है क्या पता? अभी तो लोगों पर डिपेंड है कितने गए होंगे, अभी तो 1 बजे है, क्या पता करना ही पड़ेगा। सो गाइस हमारी ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पार्किंग चार्जेस नहीं है, और उसके बाद आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली हमने यहाँ लोकल से पूछा था, उन्होंने कहा कि लाइक 11 बजे के बाद ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं, तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है लेट्स सी, देखते हैं आगे चल के। सो गाइस आप इस ट्रैकिंग में हल्का फुल्का खाते चलिए, जैसे कि मैं खीरा खा रहा हूँ, ज़्यादा हैवी खाओगे तो चल नहीं पाओगे। सो लाइट लाइट नॉर्मली ये नेचुरल चीज़ें खाते रहो। ओके सो गाइस चलते हैं धीरे धीरे, मिलते रहेंगे आपसे बीच बीच में। और भाई अंकित भाई, सो गाइस जो ट्रैकिंग है यहाँ की वो एकदम स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा जितना हो आप लाइट सामान लें, ठीक है, ज़्यादा सामान कैरी, एक्स्ट्रा सामान को कैरी ना करें, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। और अभी हम चल रहे हैं और मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस यहाँ से दो रास्ते जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, ट्रियुंड के लिए। सो हम इस वाले रास्ते से जा रहे हैं, ये अंदर ये जंगल के रास्ते होके जाता है, ये आपको वहाँ ऊपर टॉप पे टेंपल दिख रहा है, ये वहाँ से होके जाता है, ये रास्ता थोड़ा ख़तरनाक है। सो हम इस रास्ते से जा रहे हैं एंड सेकंड वाला जो है आप देख सकते हो ये रास्ता जा रहा है यहाँ से, ये ओके। सो लेट्स गो, ये है रास्ते, हमने ये वाला रास्ता चुना है। दो भाई लोग हमारे आगे पहुंच चुके हैं। और ये है यहाँ से व्यू, और हमें जाना है वहाँ टॉप पे बिल्कुल। यस गो एंड चेक, ये रास्ता साफ ट्रैकिंग ऐसी होगी। सो गाइस आगे हमें थोड़ा सा खतरा लग रहा है क्योंकि पेड़ों के कुछ कुछ वाइट वाइट दिख रहा है, मतलब पता नहीं है क्या पन्नी लटकी है या कोई बालू सफेद कौन सा होता है। सो गाइस जैसे आप देख सकते हैं कि हमने एक एडवेंचर वाला रास्ता चुना है जो कि हम लोगों को सूट करता है, क्योंकि हम बहुत एडवेंचरस हैं। सो आप देख सकते हैं कि ये जो व्यू है, हम उतनी नीचे से जहाँ पे आप घर देख रहे हो वहाँ से ऊपर आए यहाँ पे, और ये एक जंगल वाला रास्ता है जो हमने चुना है। और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, बस हम रास्ते बना रहे हैं और जा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कोई यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है आपको इधर जाना है उधर जाना है, बस आपको ऊपर जाना है। सो अगर आपको लगता है कि आप भी एडवेंचरस है और अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं तो फाइंड योर वे, अपने रास्ते को खुद बनाएं और ऊंची चोटी पे पहुंच जाएं। पैर लगा के दम मोड़ दे। आजा आजा सर जी,
अबे ये तो बड़े गलत नारे कमांडो वाली लेट लेट के आ रहे हैं। अरे सबकी शूट कर लो। कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, आजा बेटे। कैलाश सुनील के लिए रास्ता बना रहा है बेटे। जो एक आधा सपोला दिख गया ना बगली पटापट। चल चल आ गया। बड़ी वाली उसको लात मार के हटा दे। चल चल तेरी। A few moments later. So guys, काफी देर चलने के बाद हम लोग काफी ऊपर पहुंच गए हैं, बहुत नियर बाई है पहुंचने वाले हैं। और ये आप फोटोज देख सकते हो, एक्चुअली हमारी कुछ वीडियोस डिलीट हो गई जिसके कारण थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये। सो ये फोटोज जैसे जैसे हम ऊपर गए थे वहां वहां की फोटोज हैं ये, आप देख सकते हो। तो इसमें रास्ते भी देख सकते हो गाइज, काफी लाइक पथरीले थे। और यहाँ पे अभी शाम हो चुकी है और हम लोग पहुंच चुके हैं। ये है व्यू जब हम पहुंचे थे। तो गाइस पूरी वीडियोस जो यहाँ का पूरा व्यू है वो हम आपको कल सुबह दिखाएंगे, क्योंकि अभी लाइट अच्छी नहीं थी इसीलिए आपको सुबह दिखाएंगे। अबे क्या लाश खोली ये। No complaints. Towards me, I don't know. गाना जो आता है पहले जिसकी लिरिक्स आती है वो गाना। तेरी आवाज पड़ी है पॉम पॉम। मैं झूल जाऊं मैं कहीं एक कर दूं आसमान जमीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला कुमार नया प्यार है कर लूं मैं क्या अपना। पैदल में गया मेरे दिल में कहां पूरी बता। इमरान हाशमी की मूवी से गाने हैं वो कौन सा गाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग। सो गाइस सुबह हो चुकी है और ये है त्रियुंड का बहुत ही प्यारा व्यू जिसके लिए हम लोगों ने इतनी मेहनत करके ट्रैकिंग करके ऊपर आए। और आप देख सकते हो यहाँ बहुत ही अच्छा बहुत ही सुंदर व्यू है। इस व्यू को देखने के लिए लाइक लाखों लोग आते हैं हर साल। और बहुत ही ज़्यादा हाइट पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऊपर यहाँ से आपको आसमान दिखेगा ऐसा कुछ नज़ारा होता है। बहुत ही सुंदर व्यू है गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। सो ये प्रॉपर 360 व्यू है इधर का। सो गाइज ये है साइड की फोटोज़ और ये देख सकते हो आप मॉर्निंग का व्यू। सो गाइज इसके बाद हम लोग अब फर्दर ट्रैकिंग कंटिन्यू किया था स्नो लाइन के लिए। फिर उसके बाद हम लोग स्नो लाइन पहुंचने के बाद वहां से हम फिर लाका ग्लेशियर तक पहुंचे थे। सो ये हमारी जर्नी की फ़ोटोज़ है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वहाँ वहाँ की फ़ोटोज़ है जैसे कि आप देख सकते हो। और इस यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं स्नो लाइन पे। सो ये वाला जो व्यू है गाइस ये स्नो लाइन का है। ये सामने देख सकते हो आप कितना सुंदर व्यू है, ऐसा लगता है कैलाश पर्वत बिल्कुल सामने है। सो ये इस व्यू की बात कर रहा हूँ मैं। सो इसके बाद गाइज हम लोगों ने अपना ट्रैक कंटिन्यू किया था और हम पहुँचे बहुत 2-3 घंटे इसके बाद चलने के बाद हम लोग पहुँचे थे लाका ग्लेशियर पे। सो ये आप देख सकते हो बहुत ही नियर बाई है वहाँ से, यहाँ से पूरा ग्लेशियर दिखता है और हम लगभग पहुँच ही गए थे। ये रास्ते हैं जैसा कि आप देख सकते हो, हम चल के आ रहे हैं उधर से। यस सो गाइज ये
पहुंच चुके हैं हम लाका ग्लेशियर पे। ये देख सकते हो आप, ग्लेशियर की बर्फ जमी हुई है, काफ़ी सॉलिड है ये बर्फ। और ये है प्रॉपर पूरा ग्लेशियर का व्यू। सो गाइस, ये देख सकते हो आप, ये ग्लेशियर हमने टच कर दिया था। और ये ऊपर बादल है। सो गाइज, ये ही था लास्ट इस व्लॉग का, ये लास्ट एंडिंग पॉइंट है। लास्ट हम ग्लेशियर तक गए थे, फिर उसके बाद हमने वापस अपना जाने का ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। और हम लोग शाम तक पहुंच गए थे अपनी गाड़ी के पास अपने। फिर हमने होटल लिया और वहाँ स्टे किया, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम घर के लिए निकले थे। सो गाइज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और गाइज शेयर करें ताकि हम और अच्छी अच्छी ऐसी व्लॉग्स आपके लिए लाते रहें।